1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गाना इंदीवर साहब के लिखे बोल कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत, ये गाना पिक्चराइज्ड देव साहब और हेमा मालिनी जी पर। ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। यर्स विशिंग हेमा जी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उनकी फिल्मों के कुछ और गाने शो के दौरान ऑफ कोर्स मैं आपको सुनाने वाला हूं एंड उनके करियर से, उनके फिल्मों से जुड़ी हुई बातें भी शो के दौरान आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल इस घंटे IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला ओनली ऑन 92.7 बिग FM। हर रोज की तरह आपके लिए लेकर हाजिर हूँ IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला सिर्फ 92.7 बिग FM पर। शर्म यानी कि शाइनेस एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिस पर कई शायरों ने कई शायरियां की है, लेकिन यही जब बच्चों में पाया जाए तो मायने अलग हो जाते हैं। और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारा एक्सपर्ट पैनल आज भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वन एंड ओनली रवीना टंडन जी और साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश छाबरिया हमारे साथ हैं और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी साहब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला में। एंड अगर आप आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 3992729927 इस नंबर पर मुझे कॉल कर दीजिए 3992729927। फिलहाल रवीना जी आपसे जानना चाहता हूं कि शाइनेस यानी कि शर्म के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। एज अ चाइल्ड जितनी मैं अभी दो दुगनी बातें करती हूँ, मैं पहले ऐसे कभी नहीं थी। मैं कोने में बैठी रहती थी, लास्ट बेंच पे बैठी रहती थी। आई वॉज अ वेरी क्लेवर चाइल्ड, 70% एंड अबव लाती थी, लेकिन इतनी शाय थी कि अगर मुझे टीचर सवाल भी पूछती थी क्लास में और मुझे सही उत्तर आता भी था, लेकिन मैं अपना हाथ ऊपर नहीं उठाती थी कि सब मुझे घूर के देखेंगे और मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी। आई वॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड अ शाय किड। लेकिन धीरे धीरे आई थिंक कहीं ना कहीं हर बच्चे में वो मेटामॉर्फोसिस आता है, जब उनमें वो कॉन्फिडेंस आता है, एक दुनिया फेस करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये शाइनेस जो मेरी थी इन द बिगिनिंग, मैं अपने साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी लाई। कई बार ऐसे होता था कि मैं सही चीज नहीं बोल सकती थी सही समय पे, और बिगनिंग में काफी मीडिया सोचती थी कि अरे ये तो बहुत एरोगेंट है, लेकिन इनको ये पता नहीं होता था कि एक्चुअली अंदर ही अंदर मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड मैं एक्चुअली बहुत शाय हूँ और मैं रिजर्व रहना चाहती हूँ। अपने आप एक जो लाइफ जो आपको लेसन सिखाती है वो एक थोड़ा जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स क्या करते हैं, हम ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील यू हैव टू लेट एवरीवन यू नो डिस्कवर देमसेल्व्स टू रीच आउट ऑन देयर ओन, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक फोन भी हमारे पास आ गया है, कोई हमारे लिसनर जो सवाल पूछना चाहेंगे इसी मुद्दे पर। हेलो नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। गुड इवनिंग दिलीप जी, मेरा नाम नितिन है। मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चा जो है मेरा बहुत शाय है, बहुत शर्मिला है, मतलब हमारे सामने तो ठीक है थोड़ा बोलता है, बट अगर घर में कोई गेस्ट आ जाता है, जैसे अगर कोई आ जाता है तो बिल्कुल हमारे पीछे छुपने लगता है, ही डजंट फेस देम, उनका सामना भी नहीं करता। इनफैक्ट और एक बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे बच्चों से भी घुलता मिलता नहीं है, इतना शाय है, तो इसका क्या किया जाए प्लीज जरा हमें बताइए। नितिन जी हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और जवाब देंगी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश छाबरिया पर। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपके सवाल का जवाब 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला, मैं हूं दिलीप आपके साथ। जहरीला इंसान से ये गाना पंचमदा का संगीत 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला ओनली ऑन 92.7 बिग FM। हमारे लिसनर नितिन जी ने कुछ देर पहले अपने बच्चे की शाइनेस पर सवाल पूछा था और उसका जवाब देंगी डॉक्टर कशिश छाबरिया। तो कशिश जी क्यों होता है बच्चों में शाइनेस और क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं बच्चे, बताएं। जी एक किस्म का एक सोशल फोबिया रहता है बच्चों में। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे का नेचर अलग रहता है, हर एक बच्चा अनोखा रहता है। इसी दौरान ये बेहतर रहेगा कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करे, उसकी शाइनेस के बारे में ओपनली किसके सामने डिस्कस ना करे। अगर आपको अपने बच्चे की शाइनेस वाकई दूर करनी है तो बेटर रहेगा कि आप उसे दूसरों के सामने एनकरेज करें, अकेले में एनकरेज करें, उन्हें स्पीच एंड ड्रामा एलोक्यूशन क्लासेस में एनरोल करें। आप खुद से एक रोल मॉडल बनिए अपने बच्चे के लिए ताकि आपको देख के आपका बच्चा सीख सके। हाँ, बट इसी दौरान आपको ये याद रखना है कि अगर उससे कुछ गलती हो जाती है या आसानी से नहीं सीख पाता है तो आप कोई रूड कमेंट्स या जजमेंट्स पास नहीं करेंगे। जब आप ये कंप्लीटली फॉलो करेंगे, आपके बच्चे की जो बेचैनी है, डर है दूसरों के सामने बात करने की, अपने आप चली जाएगी। उम्मीद है नितिन जी आपको जवाब मिल गया होगा, आप इस पर अमल करें एंड ऑल द बेस्ट आपको।
ये तो था आपके बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड जवाब, पर अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानेंगे। बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। इजाजत का ये गाना पंचमदा का संगीत, गुलजार साहब के लिखे बोल, 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं दिलीप आपके साथ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बड़ों की पाठशाला, और मेरे साथ इस वक्त हमारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रस्तगी साहब है। हेमंत जी, पिछले चार दिन से हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंस की, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कौन सा समय सबसे सही होता है जब हम उनके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करें, बताएं हेमंत जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो गोल है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, और ये एक ऐसा गोल है लॉन्ग टर्म गोल जहाँ पे हमें बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। यानी जितना समय हम अपने आप को देंगे उतना ही हमारा पैसा ठीक से ग्रो हो पाएगा। अब सवाल ये कि कितनी जल्दी शुरू करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है वो बिल्कुल सही समय है, लेकिन हर पेरेंट उस समय पे शुरुआत नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर वो समय पे शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं कर सके हैं, अगर आपने समय उतना नहीं दिया है, तो जब भी आप शुरुआत कर सकें वो करें। जैसा मैंने कहा, क्योंकि बड़ा गोल है, बड़ा पैसा चाहिए, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आपको फ़ायदा। उसका फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि पैसा कंपाउंड होगा, यानी जो रिटर्न है उसके ऊपर रिटर्न का आपको कमाने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप आज ही अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। पेरेंटिंग टिप्स पर अधिक जानकारी के लिए आप एक SMS भेज सकते हैं। टाइप कीजिए BIG बिग स्पेस बुक लिखिए और फिर इसे भेज दीजिए अपने नाम के साथ 55454 पर, और आपको मिलेगा डाउनलोड लिंक फॉर बड़ों की पाठशाला बुक। आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड इंश्योरेंस, द राइट चाइल्ड प्लान। टू नो मोर, अपने नियरेस्ट IDBI फेडरल, IDBI बैंक या फेडरल बैंक ब्रांच पर जाएं। फिर मुलाकात होगी इसी वक्त अगले हफ्ते हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स बड़ों की पाठशाला। मैं लौट के आता हूं थोड़ी देर में। मैं हूं दिलीप आपके साथ।